इस वक्त आप देख रहे वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ नेहा। इस अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 1,20,000 संविदा कर्मी द्वारा विभिन्न विभागों से वजन बढ़ाने की अपील की है। इसके लिए कई फाइलें अभी वित्त विभाग में अटकी हुई है। हालांकि संविदा कर्मी को वेतन वृद्धि के लिए नीति बनाने के साथ ही उनके नियमित पदों की तुलना में 90% वेतन देने का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि इसके लिए कई विभागों द्वारा अभी फाइल का अनुमोदन नहीं किया गया है, जबकि महिला बाल विकास विभाग, खेल विभाग, राजस्व विभाग सहित प्रशासन अकादमी के कुछ विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति दी जा चुकी है। वेतन नहीं बढ़ने से 1,00,000 से अधिक संविदा कर्मी परेशान है, जिसके बाद लगातार शासन प्रशासन से इस मामले में गुहार लगा रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।